किसी ने क्या खूब कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर खुशनुमा बने, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को आने वाले कल और गुजरे हुए कल यानि पास्ट से आज़ाद करिए अपनी सोच को, तभी आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशनुमा बन सकेगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है वो अपनी ज़िंदगी आधी तो इसी सोच में गुजार देते हैं कि हमारे साथ जो पहले हो चुका है वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, वो अगर नहीं होता तो हमारी लाइफ और कैसे होती, यही सोच के हम अपने पास्ट को याद करते रहते हैं और आधी ज़िंदगी हमारी इसी सोचने में गुजर जाती है कि हमारा आने वाला कल यानी आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, हम उसमें और क्या क्या कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को और कैसे बेहतर खूबसूरत बना सकते हैं, यही सोचते सोचते दोस्तों हम एक बीच का जो सबसे ख़ास टाइम होता है जिसे हम आज कहते हैं, अब कहते हैं, वो गुज़र जाता है। क्योंकि जो हमारा आज है, हमारा प्रेजेंट जो हमारे सामने है, जो हमारा वर्तमान है, वही हमारा पास्ट बनता है, भूतकाल बनता है, और वही हमारा आने वाले फ्यूचर का वर्तमान काल की बेस बनता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इस पल को बखूबी जिएं, एक ऐसे सिस्टमेटिक वे से जिएं कि हमें ना तो इसके गुजर जाने का गम रहे और ना ही आने के जो और बेस है हमारा फ्यूचर का उसके लिए हम चिंतित रहें। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने आज पे फोकस करें, अपने आज को इतना बेहतर बनाएं कि हमारी ज़िंदगी हर पल अच्छी गुजर सके, हमारी सोच अच्छी हो, हमारे काम अच्छे हों, हमारा नज़रिया अच्छा हो, दूसरों से हमारा तालमेल ठीक बैठे, जो हमारे काम हैं जो कि हमारे हम पोस्टपोन करते रहते हैं उनको टाइम से हम करें, और अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे मिलजुल कर रहें, रिश्तों को बनाए रखें, सवारे रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आज को अच्छा बनाने के लिए और आने वाले कल को भी खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि ये है जो पल है ना, वो एक वक्त की गणना नहीं है, टाइम काउंटिंग नहीं होती है कि कैसे हम आगे बढ़ें और कैसे हम अपने पीछा जो हमारा वर्तमान है और जो हमारा भूतकाल है, जो हमारा पास्ट है, हम उसको भी दोबारा से अच्छा कर सके, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। जो गुज़र गया वो तो गुज़र गया, वो चेंज नहीं होगा। जो आने वाला है, हाँ हम उस पर कुछ सुधार कर सकते हैं, लेकिन गारंटी उसकी भी नहीं ले सकते कि वो भाई अच्छा होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज जो हमारे सामने जिस पल में हम जी रहे हैं, बस ज़िंदगी वही है, क्योंकि अगले पल क्या हो किसी को कुछ नहीं पता। तो जो भी पल आपके पास है आप उसे खुशी से जीजिए, अपना समझ के उसको ऐसा जिए कि मानो कि कल हमें ये पल मिले या ना मिले, तो जो भी कुछ है वो आज है, अभी है, और इस पल को हम बखूबी जिए, बहुत इत्मीनान से इसका लुत्फ़ उठाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनों के साथ, अपनों को साथ लेकर चलें। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो व्यूअर्स, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने कमेंट्स देना प्लीज़ नहीं भूलिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट, एक एक सजेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो और ढेर सारे मुझे आइडियाज़ भी भेजिए जिससे कि हम आपस में और अच्छे से डिस्कस कर सकें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे।